हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू द क्लास ऑफ द तंजेक्स डिजाइनिंग मास्टरी, जिसमें हम सीखते हैं कि टेक्सटाइल एंड डिजिटल फील्ड में डिजाइनिंग कैसे बनाते हैं, क्या डिजाइनिंग का बनाने का प्रोसेस होता है, डिजाइनिंग में कैसे आप बिगिनिंग से एडवांस लेवल ऑफ टेक्निक सीखते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा होगा कि कोई भी एक डिजाइन में आप ब्लैंकेट कैसे बनाते हैं। कोई भी डिजाइन का, जैसे आप बहुत सारे मल्टीपल डिजाइन बनाए ऑल ओवर गारमेंट के लिए, तो उस डिजाइन को आपको ब्लैंकेट इन द सेंस क्या हुआ कि कोई भी फैब्रिक, जैसे फैब्रिक का हाइट है, उसमें आपको ऊपर नीचे आपका ब्लैंकेट का जो भी आपका डिजाइन उसको सेट करना, ताकि आपको एक टोटल फैब्रिक में बहुत सारे डिजाइन आप एक साथ प्रिंट कर पाए एंड कोई भी क्लाइंट के लिए आप दिखाने के लिए इजी हो। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी ब्लैंकेट है वो बनाने का जो टेक्निक है, जो एकदम बिगिनिंग से एडवांस लेवल टेक्निक है, वो हम सीखेंगे आज, ताकि आपको एक इजीली ब्लैंकेट बना पाए। बहुत सारे जो बिगिनर दोस्त है उनका कमेंट आ रहा था कि हमारे यूट्यूब चैनल में, उसके साथ साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप है, एंड आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्लीज गाइस आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन करें। जस्ट @tanzrex लिखना है तो आप इजीली टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर पाएंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि ब्लैंकेट कैसे बनाते हैं, उसका जो फास्टेस्ट तरीका हमें बताया, बिकॉज कुछ दोस्त है जो कि ब्लैंकेट बनाने के लिए शायद उनको 3 से 4 घंटा लग जाए। तो मैंने भी देखा है बहुत सारे बिगिनर है वो कुछ गलतियां करते हैं ब्लैंकेट बनाने की टाइम, तो इसीलिए मैंने सोचा ब्लैंकेट बनाने का एक अच्छे से स्मार्ट टेक्निक आपको दूं, ताकि आप इजी वे पे बहुत ही कम टाइम में बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से स्मार्ट वे पे आप ब्लैंकेट को बना पाए। ठीक है, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, बिकॉज इसमें सिर्फ आपको बिगिनिंग लेवल का टेक्निक नहीं है, बहुत ही स्मार्ट एंड एडवांस लेवल का टेक्निक दिया है, ताकि जो बिगिनर है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड जो एडवांस लेवल में है, जो कि ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में है 2 साल से, उनको भी बहुत ही एडवांस लेवल ऑफ टेक्निक मिले ब्लैंकेट वो भी बहुत फास्ट तरीके से बना पाए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि जब भी इस टाइप का लर्निंग वीडियो आए तो आप जो मिस ना हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश, गलतियां करते कि कुछ ब्लैंकेट बनाने के टाइम सिर्फ डिजाइन को ब्लैंकेट में कन्वर्ट कर लेते, बट वो ब्लैंकेट सिर्फ ब्लैंकेट के लिए ही काम आते हैं, उसको हम इन फ्यूचर अगर उसमें से कुछ डिजाइन बनाना चाहे, इसमें से अगर डिजाइन को डायरेक्टली प्रिंट में देना चाहे, कई बार ऐसा होते हैं कि हमने जो ऑरिजिनल फाइल है करप्ट हो गया, या तो वो फाइल कई बार हो सकता है डिलीट हो गया बाय चांस हमारे गलती से, तो वो हम जो ब्लैंकेट बना रहे हैं उस ब्लैंकेट से भी हम डायरेक्टली प्रिंट के लिए कमांड दे सकते हैं, बिकॉज वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैंने अपना जो डिजाइनिंग लाइफ में बहुत बार इस टाइप का प्रॉब्लम फेस किया, तो इसलिए मैं आपको बताना फर्ज समझा था, ताकि आप एक प्रॉब्लम आए तो आप उसको सॉल्व आउट कर पाए ब्लैंकेट का द्वारा। ठीक है, सो इस टोटल वीडियो ट्यूटोरियल का अच्छे से पूरा ध्यान से एकदम आखिरी तक देख लीजिए खत्म तक, ताकि आपको डिटेल में नॉलेज मिल जाए बेसिक से एडवांस लेवल। एंड अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ब्लैंकेट स्मार्टेस्ट तरीके से डेटा सेट के द्वारा, आप जो फोटोशॉप वेरिएबल डेटा सेट है, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आपको जेपीजी का नाम सेव करते हैं विद जेपीजी, आपका विद नाम आपको जेपीजी सेव करने के लिए आपको फोटोशॉप वेरिएबल डेटा सेट को आप वन क्लिक में मल्टीपल टाइप का जो डिजाइन है उसमें आप एक साथ में नाम के साथ उसको पीएसडी में सेव कर सकते हैं, उसके बाद आप जेपीजी में सेव कर सकते हैं। सेम टेक्निक आप ब्लैंकेट में भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा, लास्ट टाइम देखेंगे आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगा। ठीक, चलिए अपने फोटोशॉप में चलते हैं। सो अभी अपने पीछे में आपको दिख रहा होगा मैंने फोटोशॉप खोल के रखा हुआ है, पूरा ब्लैंकेट का जो फ्रेम है वो हमने यहाँ पे खोल के रखा हुआ, ताकि जो बिगनर है एकदम बिगनर लेवल से शुरू हो रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि एक्चुअल में ब्लैंकेट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है टोटल ब्लैंकेट का प्रोसेस। ठीक है, तो एक्चुअली 2-3 ब्लैंकेट मैंने खोल के भी रखा हुआ, ताकि आप लोगों को समझ में आए, जो बिगनर है उनको आइडिया लगे कि कैसे ब्लैंकेट दिखते हैं। एक्चुअल में जब हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं, चाहे आपका कोई भी पैटर्न का डिजाइन हो, उस डिजाइन को हम उसके ऊपर नंबर देके, लाइक एक कंपनी लोगो, कंपनी लोगो के साथ उसका जो नंबर है वो नंबर देके टोटल उसका हम एक पूरा फैब्रिक की जो हाइट है, जो फैब्रिक का हाइट होता है कैनवस साइज में ओपन किया। अब देखिए फैब्रिक का हाइट 44 इंच का जो कि एवरेज रहता है फैब्रिक का हाइट, तो फैब्रिक का हाइट के हिसाब से हमें टोटल डिजाइन को हमें प्लेस करना पड़ता है, ताकि उस डिजाइन को हम फैब्रिक में प्रिंट करके देख पाए उसका लुक कैसे आ रहा है। एंड साथ साथ में जब भी उस डिजाइन को हम फैब्रिक में प्रिंट करेंगे तो कोई क्लाइंट के लिए ऑल ओवर गारमेंट के हिसाब से उनको ऑर्डर देने में भी इजी पड़ता है। सो दैट्स व्हाई हम इस टाइप का ब्लैंकेट रेडी करते हैं। ब्लैंकेट का बहुत सारा अलग अलग फॉर्मा होता है, लाइक कई बार ब्लैंकेट आपको दो जो फैब्रिक का पना है या तो हाइट होता है, उस हाइट में दो हम डिजाइन को प्लेस करते हैं, उसमें डिजाइन नंबर के साथ उसको रखते हैं। जैसे इसका टोटल जो हाइट एंड विड्थ है वो आपको मैं बता देता हूँ, लाइक इसका हाइट एंड विड्थ
टोटल 12 इंच का टोटल एक हाइट रखा गया एंड 12.7 इंच बाई 22 इंच का टोटल एक हाइट एंड विथ का टोटल साइज है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल ब्लैंकेट बनाया गया। और दूसरा और एक टाइप का ब्लैंकेट होता है, जैसे कि इस टाइप का ब्लैंकेट, इसमें क्या होता है, टोटल एक डिजाइन को हम अलग अलग तीन कलर मैचिंग अगर करें तो तीन कलर मैचिंग हम इस तरीके से अलग अलग टाइप का कलर मैचिंग में पेस्ट करके अलग टाइप का हम एक्चुअल में तीन कलर मैचिंग, इसलिए हमने तीन किया था। इवन हम चाहे तो चार भी कर सकते एक फैब्रिक का बना, लाइक आपका जैसे चेक्स पैटर्न का डिजाइन में छोटा छोटा रिपीट होता है, तो इसलिए हम चेक्स पैटर्न का डिजाइन को टोटल एक फैब्रिक का बनाया, जैसे एक ही फैब्रिक का बनाया 44 इंच का, तो 44 इंच का बना में हम टोटल चार डिजाइन को प्लेस कर सकते हैं। सेम टेक्निक है, जस्ट आपको दिख रहा होगा हमने यहाँ पे ब्रांड लोगो जो अपना कंपनी लोगो होता है वहां पे रखा हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पे उसका जो डिजाइन का नंबर है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरीके से टोटल हमने ब्लैंकेट को सजा के टोटल हम फैब्रिक में प्रिंट करते हैं एंड उसके बाद हमारा प्रिंट का रिजल्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड अगर कोई क्लाइंट हमें इसके ऊपर से कुछ ऑर्डर देना चाहे तो वो भी उनके लिए इजी पड़ता है, विद डिजाइन नंबर उनको विजिबल हो जाता है, यहाँ पे डिजाइन नंबर के साथ हमने रखा हुआ, ठीक है। तो ये जो बनाने का टेक्निक है वो सबसे फास्ट एंड सबसे एकदम स्मूथेस्ट टेक्निक क्या है वो आपको जानना जरूरी है, तभी आप इजीली बना पाएंगे। तो इसीलिए हमने ब्लैंकेट का बनाने का जो मेन प्रोसेस है वो आपको बताने के लिए सोचा, ठीक है। सो बहुत सारे जो फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट आ रहा था वो आई थिंक अब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उनको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल ऑफ नॉलेज मिल जाएगा। तो टोटल ब्लैंकेट बनाने का जो प्रोसेस आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कैसे ब्लैंकेट का पोजीशन होता है। एंड ब्लैंकेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो भी एक ब्लैंकेट बनाते हैं उसके लिए हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंपल एक जो सॉलिड कलर का एक हमने यहाँ पे लेयर रखा हुआ है, सॉलिड कलर का अलग अलग टाइप का लेयर बना के जो इसका साइज होता है, जैसे हमने यहाँ पे जो साइज रखा है मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे साइज देखिए 12.76 by 21.88 टोटल एक पूरा जो एक साइज हमने यहाँ पे लेके रखा, उसके साथ पूरा ब्लॉक बनाया। अब उसी ब्लॉक को यहाँ पे प्लेसमेंट किया, प्लेसमेंट करके टोटल एक 1 मीटर या तो 1.5 मीटर का टोटल एक हम बनाते। अब उसके बाद हम इसको प्लेसमेंट करने के बाद हम टोटल ब्लॉक्स बॉक्स जब हो जाए, हम यहाँ पे जो डिजाइन का नंबर है नंबर के साथ हम यहाँ पे इसको प्लेस करके रख सकते हैं एंड जहाँ पे जब जरूरत हो उसके हिसाब से हम नंबर अपने डिजाइन में डाल सकते हैं। तो एक प्रोसेस हो गया, और अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं, टोटल आप एक ही ब्लॉक को ले सकते हैं। मैं आपको दोनों प्रोसेस बता रहा हूँ बिकॉज दोनों प्रोसेस हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे एक हमने प्रोसेस बनाया इस तरीके से, आपको ब्लॉक बनाना होता है, ब्लॉक बनाने के बाद आपको डिजाइन को जस्ट कॉपी करना होता है, इसको पेस्ट करना होता है, देन आपको टोटल इस तरीके से ब्लैंकेट बना देते हैं। एंड और एक तरीके हो सकते हैं कि जैसे आपने ट्राइडी डॉक्यूमेंट पर डुप्लीकेट किया, अब डुप्लीकेट करने के बाद जैसे आपने एक टोटल इस तरीके से पहले ब्लॉक बना के रखे, ब्लॉक बनाते कैसे वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे नॉर्मली हम एक न्यू लेते एंड जैसे हम नॉर्मली यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट का साइज लेते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं एंड ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन जितना साइज हमें चाहिए, जैसे हम यहाँ पे 12 इंच by 21 इंच कर देते, तो 12 इंच by 21 इंच का हमारे यहाँ पे ब्लॉक आ गया। अब इसको हम फिल कर लेते हैं जस्ट नॉर्मल एक नया लेयर लेके, जिसको ब्लैक से हम फिल कर दे। अब फिल होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस टोटल ब्लॉक को जस्ट कंट्रोल डी एंटर कर दे। अब जब भी इसका फिल हो गया, अब चाहे तो अब इसको अपने हिसाब से ऊपर कर ले कंट्रोल जे एंड देन थोड़ा सा इस तरीके से हमने रख दिया। देखिए तो एक्चुअल में टोटल 44 जो फैब्रिक का पला है उसके अकॉर्डिंग टोटल डिजाइन को प्लेसमेंट हो रहा है। अब इस तरीके से हमने प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा हमने गैप रख लिया, अगर हमें डिजाइन को सेपरेट करना उसके लिए हमें इजी पड़े, इस तरीके से हमने गैप रख लिया, ठीक है। अब दोनों ब्लॉक एक बार बन जाए तो उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाली इसलिए रखते हैं कि यहाँ पे अगर कई बार हमें इस टाइप का कुछ बैनर या तो इस टाइप का कुछ हम देते कि कंपनी नेम एंड उसके साथ साथ आपका चेक्स पैटर्न या तो कोई भी पैटर्न का नाम वो भी हम दे सकते हैं, इसके लिए हम कई बार ऐसा भी रख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप रख सकते हैं, ठीक। तो जैसे हमने यहाँ पे रखा, अब यहाँ पे जो आपका डिजाइनिंग का नाम है वो आप चाहे तो एक दो रख सकते हैं, या तो आप जैसे टोटल प्लेसमेंट करने के बाद सिर्फ आपको डिजाइन नंबर के साथ भी रख सकते हैं। जैसे हम अगर करें तो इसको हम डिलीट कर लेते, अब हम इसको डिलीट कर लेते जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली नॉलेज मिले एंड आप इजीली कोई भी ब्लैंकेट बना पाए। सो पहले आपका काम होगा इस तरीके का जो भी आपको बॉक्स है वो आपको रेडी कर लेना, बॉक्स रेडी करने में कंट्रोल जे कंट्रोल टी दबा के आपको फिर से इसको कॉपी करना पड़ेगा ताकि एक पर्टिकुलर मेजरमेंट पे हम डिजाइन को प्लेसमेंट करना पड़े एंड इसको हम यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा गैप रख के इसको हम प्लेसमेंट कर लेंगे। अब कंट्रोल सिर्फ टी दबाएंगे तो क्या होगा, रिपीट होगा, आपको पता ही होगा शायद, इस तरीके से हम इसको प्लेसमेंट कर लेंगे। अब एक बार आपका टोटल जो डिजाइन है वो अगर प्लेसमेंट हो जाए, जैसा कि यहाँ पे 1 2 3 4 एंड नीचे 4, तो टोटल 8 डिजाइन हमने ब्लैंकेट एक बार बना लिया। अब यहाँ से लेके इसको हम क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है, अल्ट्राइटिंग की तो उसका क्रॉप हो गया। तो टोटल डिजाइन का जो प्रोसेस है, तो टोटल डिजाइन का जो प्लेसमेंट है, हमें यहाँ पे 8 डिजाइन का ब्लैंकेट आप इजिली बना सकते हैं। अब उसमें एक हमने कंपनी लोगो एंड उसके साथ साथ हम यहाँ पे नंबरिंग का जो भी स्पेस है वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है ताकि हमारे लिए इजी पड़े एंड उसके अकॉर्डिंग अपना कोई भी डिजाइन का नंबर हम वहाँ पे पुट कर पाए।
एंड नंबरिंग का जो लोगों का जो स्पेस है वो आप चाहे तो थोड़ा सा बड़ा या तो थोड़ा सा छोटा रख सकते हैं, वो अपने नंबर का जो विथ है उसके अकॉर्डिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम नंबर बहुत छोटा लेते हैं तो हम छोटा स्पेस भी रख सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें कंप्लेन लोगो प्लेस करते हैं, नंबर का लोगो भी जो अपना नंबर का विथ है वो भी थोड़ा सा बड़ा है, इन द सेंस मतलब दो तीन वर्ड लेके टोटल नंबर बनाए गए, तो उस टाइम हमें नंबर का लोगो थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ता है, अदरवाइज हम छोटा से भी टोटल इस पूरा प्रोसेस को बना सकते हैं। ठीक है, सो जब भी आपका टोटल मोटिव क्रॉप हो जाए उसके बाद आपका काम होगा, जो भी आपका फोल्डर है उस फोल्डर में आपको जाना रहेगा एंड आपका जो भी डिजाइन है उसको आपको ओपन करके टोटल प्रोसेस को करना रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे दिया, अब अगर चाहे तो आप कंपनी लोगो रख सकते हैं, नहीं चाहे तो आप नहीं रख सकते, जैसे हम इसको सिंपल इस तरीके से फिल कर लिया, टोटल एक बॉक्स आ गया। अब हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट रख के कुछ भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, तो ये एक आपका प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद आपको जस्ट क्या करना रहेगा, जो भी आपका ये टोटल हमने यहाँ पे इमेज को रखा है इसको हमें मर्ज कर देंगे, तो आपका टोटल इस तरीके से बॉक्स का एक फाइल हो जाएगा। एंड जब भी आपको डिजाइन ओपन करना, जैसे हम यहाँ पे डिजाइन ओपन करेंगे, जैसे आपको ये डाल दिया देना, तो जस्ट उसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबा के कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, जैसे आपको दिख रहा होगा कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, एंड देन आप इसको एंटर करेंगे तो क्या होगा, टोटल जो डिजाइन है वो मर्ज होकर यहाँ पे ओपन होगा। एंड देन ओपन का डिजाइन को जस्ट आपको कंट्रोल सी दबा के कॉपी करना है, कंट्रोल डब्ल्यू दबा के पेस्ट करना है, एंड जो सिलेक्शन आपका जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे फ्रेम आपने बनाया, जो आपका बॉक्स बनाया उसको सिलेक्शन करना है, कंट्रोल शिफ्ट भी दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट भी दबाते ही आपका ऑटोमेटिक मास्किंग होकर वो डिजाइन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यानी एक बहुत ही बड़ा फायदा है कि हम पर्टिकुलर डिजाइन को जस्ट विद इन अ मास्किंग हम इसको ओपन पेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसके अंदर वो पेस्ट हो जाए एंड आपका जो भी फाइल है तो वो यहाँ पे आ जाए। सेम तरीके से अगर आपको इस पर्टिकुलर डिजाइन में करना है, सेम आपको इस कंट्रोल वो ओपन किया हमने, ये वाला पर्टिकुलर डिजाइन को किए, जस्ट डबल क्लिक किया एंड आपको सिर्फ कंट्रोल अल्ट दबाना है ताकि वो पर्टिकुलर फाइल मर्ज हो ओपन हो, कंट्रोल ए दबा के कॉपी करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल डब्ल्यू एंड देन आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को फिर से सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करते हैं कंट्रोल शिफ्ट भी कंट्रोल अल्ट शिफ्ट भी आपको दिख रहा होगा, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट भी आप करेंगे तो पर्टिकुलर जो भी डॉक्यूमेंट आपका जो इमेज है वो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे मास्किंग होके यहाँ पे ओपन होगा। अब इस पर्टिकुलर डिजाइन में आपने जो नंबर देना चाहते हैं उस फाइल को यहाँ पे ओपन करेंगे, उस नंबर को यहाँ पे कॉपी करेंगे कंट्रोल सी एंड यहाँ पे आपको आके टोटल इस फाइल में जाना है एंड यहाँ पे आपको प्रेस करना है, जो भी आपका नाम रहेगा आपको डेफिनेटली उसका जो नाम है आपको ब्लैक कलर में लिखना पड़ेगा, तभी आपको वहां पे विजिबल होगा एंड आप इजीली इस तरीके से नाम यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने नाम दे दिया, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, तो जो भी इसका नाम है हमने यहाँ पे दे दिया। अब इसका फाइल को हम ग्रुप कर लेते हैं कंट्रोल जी, तो ये फाइल ग्रुप हो गया। अब यही ग्रुप को आप चाहे तो उसको जस्ट यहाँ पे इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं, सॉरी हम यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट में ग्रुप को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन आप किसी ग्रुप को जस्ट ड्रैग करके हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम नंबर को प्लेस कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे डाला इस तरीके से। अब एक्चुअल में आपको लगेगा से कि आपने यहाँ पे जो नंबर है वो आपने ऊपर रखा बट इसका नंबर नीचे क्यों रखे, बिकॉज कई बार ऐसे फैब्रिक का जो ब्रीथ एंड हाइट है वो अगर थोड़ा सा छोटा बड़ा हो तो जो नंबर है वो कटने का चांस रहता है, अगर हम यहाँ पे रहते एंड कई बार ऐसा फैब्रिक का ब्रीथ थोड़ा सा छोटा हो तो ये नंबर पूरा कट ही जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे रखते हैं ताकि फैब्रिक का जो नंबर है वो दोनों तरीके से दिखे, मतलब फैब्रिक का मिडिल पोर्शन जब हमने यहाँ पे प्लेस किया। अब जो इसका नंबर था उसको हमने यहाँ पे कंट्रोल सी और यहाँ पे हम कंट्रोल ए दबा के सिलेक्शन करें कंट्रोल वी, तो ये डिजाइन का हमने नंबर इस तरीके से चेंज कर दिया। सेम तरीके से दूसरा जो डिजाइन है उसको भी आपको ओपन करना है, इसलिए उसको सिलेक्शन लेना है एंड आपको पर्टिकुलर डिजाइन को ओपन करना है कंट्रोल सी ई दबा के अल्ट दबा के अंदर आपको ओपन करने के बाद कंट्रोल ए सिलेक्शन एंड कंट्रोल डब्ल्यू एंड कंट्रोल शिफ्ट वी, तो टोटल डिजाइन को मास्किंग होकर यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड आपका अगर कोई डिजाइन का प्लेसमेंट अगर आप चेंज करना चाहें तो बहुत इजी है, जस्ट आपको मास्किंग को इस तरीके से हटाना है, जो आप पोजिशन चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका डिजाइन में पोजिशन भी आप चेंज कर सकते, जैसे मुझे लग रहा है ये वाला पोजिशन सही है, इस पर्टिकुलर पोजिशन में पूरा डिजाइन का लुक अच्छे से दिख रहा है, तब इसको पोजिशन इस तरीके से चेंज कर लिए एंड बाकी उसके बाद हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो नाम का फोल्डर है उसका हम इसको ड्रैग किया यहाँ पे पेस्ट किया एंड उसको फिर से उसको ओपन किया एंड इसमें हमने जो नाम है उसको कॉपी किया, अब यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया, जस्ट हम इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। सो इस तरीके से हम टोटल ब्लैंकेट को बना सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी टैगलाइन देना चाहिए या तो कोई भी आप अगर यहाँ पे लासा सेट करके कोई भी आपका सॉलिड कलर सेट करके आप अगर कुछ भी देना, जैसे हम कई बार ब्लैंकेट में इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से आप अगर इसको सेट करना चाहे तो आप यहाँ पे इसको सेट भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर कुछ नाम देना चाहे तो आपका पर्टिकुलर जो ब्लैंकेट का नाम है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, आप फैब्रिक का नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं, तो ये टोटल प्रोसेस को फॉलो करके हम डिजाइन
में ब्लैंकेट बनाते हैं। इसमें फायदा ये होता है गाइस, इसमें फायदा ये होता है जो भी आपका डिजाइन का पूरा हाइट है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। कभी भी अगर आपको डिजाइन में कोई प्रॉब्लम हो जाए या तो करप्ट हो जाए तो आप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से जो ब्लैंकेट है उसमें से लेके आप पर्टिकुलर जो डिजाइन है उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। एंड इवन कई बार ऐसा भी प्रोसेस हम करते हैं कि जो यहाँ पे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है इसमें पूरा फाइल हमें यहाँ पे मिल जाना है, डिजाइन का रिपीट हमें यहाँ पे मिल जाना है। जब भी डिजाइन यहाँ पे अगर खो जाए या फिर यहाँ पे अगर डिजाइन आपका करप्ट हो जाए तो हम यहाँ से डायरेक्टली डुप्लीकेट करके, जैसे हम इसको अगर डुप्लीकेट करना चाहें जस्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपको पता चले, बिकॉज ये प्रोसेस कई बार ऐसा होते हैं एंड हमारा अपना कई बार डिजाइन मिलता नहीं है तो कोई बार प्रॉब्लम होता है, दैट्स व्हाई हम आपको बताना जरूरी है। जस्ट मैं इसको अगर बता दो एंड यहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका अगर जो भी आपका साइज है, जो आपका फैब्रिक का साइज है, जैसे हमने यहाँ पे 56 हाँ अभी देखिए एक छोटा सा प्रॉब्लम वो आपको बताना पहले जरूरी। जब हम इस डिजाइन को ओपन कर रहे थे तो देखिए यहाँ पे जो इसका डिजाइन का साइज है इसका जो रेजोल्यूशन है पिक्सल बाय इंच में 150 रेजोल्यूशन में हम काम कर रहे हैं, बट ये जो डिजाइन हम ओपन कर रहे थे उसका रेजोल्यूशन आई थिंक सो वो थोड़ा सा बड़ा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 200 रेजोल्यूशन में, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है कि देखिए अपने आपको जस्ट कुछ करने के दिखाने गया तो आपको ये पता चलेगा कि देखिए यहाँ पे 200 रेजोल्यूशन था, तो इस डिजाइन का जो अगर रेजोल्यूशन 200 होगा तो आपको आपका जो यहाँ पे ब्लैंकेट आप बनाए तो ब्लैंकेट में भी आपको 200 रेजोल्यूशन देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो फाइल साइज है वो बड़ा हो जाता है। मतलब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसका जो फाइल साइज है, जो इसका जो फ्लावर है, ये गलतियां हुआ अच्छा हुआ ताकि आपको समझ में आए, देखिए इसका जो फ्लावर साइज है 4.18 दिख रहा है, बट अगर इसका जो ओरिजिनल डिजाइन हम खोले और उसका अगर फ्लावर साइज देखे ऑब्वियसली उसका फ्लावर साइज छोटा होगा। उसका रीजन क्या है, देखिए 2.9 इंच है, मतलब 3 इंच भी नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से गलतियां करेंगे, अगर आपका पर्टिकुलर जो डिजाइन है उसमें अगर 200 रेजोल्यूशन होगा एंड उसका अगर कॉपी करके आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे तो कई बार ऐसा गलती हम कर लेते हैं और आपका डिजाइन का जो फ्लावर साइज या जो मोटिव साइज है वो बढ़ जाता है। तो उस टाइम आपको ऑलवेज एक चेक करना जरूरी होता है कि जो भी आप डिजाइन ओपन कर रहे हैं वो 150 रेजोल्यूशन में है कि नहीं, बिकॉज कई बार आप 150 या तो 200 या तो 300 रेजोल्यूशन में डिजाइन को बनाते हैं अलग अलग रेजोल्यूशन में, तो उस टाइम हमें यहाँ पे 150 रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। 150 रेजोल्यूशन करके देन हम उस पर्टिकुलर डिजाइन को कॉपी करेंगे, देन हम इसको बंद करेंगे एंड आपका जो फाइल साइज है जैसे हम इसको फिर से डिलीट कर देते हैं, यानी गलती होता है कई बार, अच्छा हुआ ताकि आपको ये ध्यान भी आ गया आपको मैं एग्जैक्टली जो प्रोसेस है वो आपको बता पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना रहेगा जब भी आपको कोई भी डिजाइन ओपन करना है, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। एंड जब भी आपको कोई भी डिजाइन ओपन करना है, जैसे आपको ये वाला डिजाइन ओपन करना है, जस्ट आपको ओपन किया, आप ओपन करने के बाद ही आपको पर्टिकुलर डिजाइन का इमेज एक बार चेंज करना है, चेक कर लेना है, जैसे अगर 150 रेजोल्यूशन हो तो ओके है, नो प्रॉब्लम, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल डब्ल्यू एंड देन आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जाना है यहाँ पे कंट्रोल सी भी, तो आपका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो भी साइज में है वो साइज में यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा एंड आप उस तरीके से यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं पर्टिकुलर जो नाम है एंड जो आपका नाम यहाँ पे है उसको आप रिनेम किए कंट्रोल सी एंड यहाँ पे आपका पेस्ट कर देना है। सो ये हो गया सिंपल एक ब्लैंकेट बनाने का प्रोसेस एंड इसमें अगर आपका जो भी डिजाइन आप यहाँ से ले रहे हैं तो उस डिजाइन का आप अगर पर्टिकुलर जो फाइल है वो अगर कभी भी यूज करना चाहते हैं तो उसको जस्ट राइट क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ, डुप्लीकेट करके न्यू फाइल लेके जाएंगे एंड जब भी इस फाइल को आप अगर उसको यूज करना चाहते हैं टोटल फाइल आपके पास पूरा रहता है, जब भी आपको इस डिजाइन को यूज करना चाहे उस ब्लैंकेट से भी डायरेक्टली यूज कर सकते, हो सकता है कई बार डिजाइन करप्ट हो जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम होता है, तो एक फीचर है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है, ठीक है। एंड और एक जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो भी आपको बताना जरूरी है, तो वो भी आप सीख लीजिए, जो कि कई बार हम ऐसा करते हैं जो डिजाइन का आपका ऑलरेडी रिपीट है, जैसे इस टाइप का एक डिजाइन, जैसे इस टाइप का एक डिजाइन है जिसमें आपका ऑलरेडी एक डिजाइन का रिपीट आपको यहाँ पे है, तो इस पर्टिकुलर डिजाइन को हमने ओपन किया। अब ओपन करने के बाद इस डिजाइन में देखिए यहाँ पे इसका जो रिपीट है 14 इंच बाय 14 इंच का ऑलरेडी इसका रिपीट है, ठीक है ना। एंड हमने यहाँ पे इसको रखा हुआ है 20, आपको जैसे दिख रहा होगा 20 एफेक्ट करके 21 इंच, तो हम अगर इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो तो ये फीचर्स काम नहीं होगा, बिकॉज हम इसको अगर कंट्रोल शिफ्ट ए दबा के कॉपी किया कंट्रोल शिफ्ट एंड उसको हम अगर जस्ट डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट अप किया, देखिए वो फाइल गैप रहेगा, तो ये प्रोसेस हमारे लिए वो काम नहीं होगा, बट उसके लिए हम एक अच्छा फीचर यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। जस्ट आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ओपन करना रहेगा, अल्टर एल एफ करके मर्ज करके अल्टर ई डी करके आपको पैटर्न बनाना है, डिफाइंड पैटर्न, एंड डिफाइंड पैटर्न बनाने के बाद आपको यहाँ पे जाके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन करना है एंड आपको यहाँ से आपको पैटर्न करना है।
एंड बहुत सारे जो बिगिनर दोस्त है वो कई बार गलती इस तरीके से करते कि यहाँ से शिफ्ट F5 दबा के यहाँ पे जो पैटर्न फील है वो करते हैं उसमें, लेकिन आपका क्या प्रॉब्लम होता है, जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वो एग्जैक्टली आपका वही पोर्शन में वो सेव हो जाता है एंड आपका जो इमेज साइज है जो भी इसका जो ओरिजिनल डिजाइन है वो हमें कभी भी नहीं मिलता। जैसे मैं आपको इसमें बताया ओरिजिनल डिजाइन वो यहाँ पे मिल रहा है, हम इन फ्यूचर कभी उसको यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से आप अगर यहाँ पे फिल पैटर्न करेंगे तो आपका जो भी ओरिजिनल डिजाइन है उसका जो फुल रिपीट है आपको वहां से मिल जाएगा। एंड अगर हम इसको फिर से जिसका जो नाम है वो हम इसको कॉपी कर लिए एंड यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे लेके आए कंट्रोल भी एंड इस तरीके से आप पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है उसका आपने नाम भी कर दिया एंड जब भी जरूरत पड़े इस डिजाइन को आप जस्ट डुप्लीकेट कर सकते हैं पर्टिकुलर एक फाइल को, डुप्लीकेट न्यू फाइल एंड जो कि आपका ये डिजाइन ऑलरेडी रिपीट में है तो जितना चाहे उतना आप फैब्रिक का हाइट में आप सेट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए इसको मैंने अगर 44 इंच में सेट करना चाहिए तो 44 इंच में, आप इसको 36 इंच में सेट करें तो 36 इंच में, आप अगर इसको 58 पने में सेट करना चाहें 58 का इंच में तो भी आप इसको सेट कर सकते हैं जो कि आपका यहाँ पे डिफाइंड पैटर्न में टोटली पैटर्न का फिल पैटर्न किया हुआ है। ठीक है, सो आई होप गाइस इस पूरा प्रोसेस को जो मैंने आपको बताया वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है, बिकॉज जो बिगिनर है उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा ही है। जो ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में है वो काफी बार ये गलती करते हैं कि पर्टिकुलर फाइल को जाते हैं सिलेक्शन करते हैं एंड यहाँ पे सिर्फ F5 दबा के पैटर्न को फिल कर लेते हैं, बट वो प्रॉब्लम क्या होते हैं वो पर्टिकुलर जो पैटर्न है वो यहाँ पे फिक्स हो जाता है, बट हमें वो फिक्स नहीं करना है, हमें उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हम यहाँ से डायरेक्टली फिल पैटर्न करना है ताकि वो हम इन फ्यूचर यूज कर पाए। सर यही नहीं गाइस, जो भी आपको मैंने अभी तक बताया वो सिर्फ एकदम बिगिनिंग लेवल का टेक्निक है कि कैसे आपको ब्लैंकेट सेट करना है, उसमें कैसे आपको डिजाइन को पर्टिकुलरली प्लेस करना है, जस्ट ऊपर नीचे सेट करना है एंड जो भी आपका फैब्रिक का वही थ्रू उसके अकॉर्डिंग आपको टोटल डिजाइन का ब्लैंकेट सेट करना पड़ेगा। जितना आपका डिजाइन का पोर्शन दिखे तो आपका डिजाइन चले उसके हिसाब से आपका जो हमने जो बॉक्स दिया उस बॉक्स का मेजरमेंट हमें अप डाउन करना पड़ेगा। सर जस्ट आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, कॉपी पेस्ट करना है, डिजाइन का नाम को कॉपी पेस्ट करना है एंड आपको कंट्रोल शिफ्ट वी दबा के टोटल आपको पेस्ट करना रहेगा ताकि उसको मास्किंग के साथ पेस्ट हो एंड इन फ्यूचर डिजाइन को यूज कर चाहे तो यूज कर पाए एंड आप अगर कोई भी डिजाइन रिपीट पैटर्न को लेना चाहे तो उसको आपको फील पैटर्न करना ताकि इन फ्यूचर हम उस पर्टिकुलर डिजाइन को यूज कर पाए अपने डिजाइनिंग के लिए। ओके, एंड अभी आपको मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ टेक्निक दूंगा कि जिसके द्वारा आप फोटोशॉप वेरिएबल डेटा सेट के द्वारा बहुत इजीली वन क्लिक में आप मल्टीपल डिजाइन को, मल्टीपल इन द सेंस हंड्रेड्स ऑफ डिजाइन को आप वन क्लिक में बहुत ही इजीली फास्टेस्ट तरीके से आप डेटा सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड आपका जो डिजाइन में इजीली आप ब्लैंकेट का तरीका बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा टीजर देता हूँ बिकॉज वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं इसका पूरा फुल वर्जन दूंगा जिसमें आपको टोटल फाइल को कैसे आपको ब्लैंकेट बनाना है, जस्ट आपको वन क्लिक में आप टोटल डिजाइन को आप ब्लैंकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए एक बार फिर से फोटोज में चलते हैं, आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ ताकि आप उसको समझ पाए एंड इसके अकॉर्डिंग टोटल डिजाइन को बना पाए, टोटल ब्लैंकेट को बना। So, इसी ब्लैंकेट बनाने का जो और एक एडवांस लेवल टेक्निक है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें आपको और भी एडवांस लेवल टेक्निक देने वाला हूं जो कि डेटा सेट्स के बारे में, जो कि आपका कोई भी एक डिजाइन जैसे इस तरीके से आप अगर एक ब्लैंकेट का फार्मा रेडी करके पर्टिकुलर डिजाइन का नंबर आप यहाँ पे रेडी करके आप अगर कोई भी डिजाइन में आप एक साथ अगर मल्टीपल ब्लैंकेट रेडी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं डेटा सेट के द्वारा, बिकॉज डेटा सेट के बारे में ऑलरेडी आपको मैंने बताया पिछले वीडियो में जिसमें आपको टोटली एक डिजाइन का नेमिंग करने के लिए आप डेटा सेट यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से आप ब्लैंकेट बनाने के लिए भी आप डेटा सेट को यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसका जो नेम असाइन है टोटल करके रखा हुआ है, जस्ट अगर हम इसको फाइल में जाके एक्सपोर्ट करेंगे टोटल आपका जो फाइल है डेटा सेट फाइल को एक पर्टिकुलर फोल्डर में, जैसे हमने यहाँ पे स्मार्ट ब्लैंकेट करके फोल्डर रखा हुआ है एंड फोल्डर मैंने यहाँ पे ओपन किया, देखिए स्मार्ट ब्लैंकेट करके फोल्डर मैंने यहाँ पे रखा हुआ, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले, इस फोल्डर को ओपन करके रखा हुआ है, इसी फोल्डर में हम अपना जो ब्लैंकेट है वो एक्सपोर्ट करेंगे, जस्ट आपको मैं ओके अगर दबाऊंगा तो टोटली जो फाइल हमने एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में रखा है, देखिए यहाँ पे देखिए जस्ट हम अगर एक एक फाइल को हम अगर इस तरीके से करें तो आपको देखिए टोटली जो ब्लैंकेट है वो हमारा यहाँ पे रेडी हो रहा है, जस्ट जैसे हम यहाँ पे ब्लैंकेट रेडी कर रहे हैं टोटली फाइल हमारा यहाँ पे ब्लैंकेट रेडी हो रहा है, देखिए तो बहुत ही इजी वे पे आप ये प्रोसेस को पूरा फॉलोअप कर सकते हैं। टोटल जो आपका डिजाइन फाइल है वो टोटल डिजाइन फाइल को हम यहाँ से इस तरीके से ब्लैंकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम पर्टिकुलर डिजाइन में उसका डेटा सेट को अप्लाई करें एंड उसके बाद अगर हम इसको ब्लैंकेट में कन्वर्ट करें तो कोई भी आपका फाइल हो, कोई भी कितना भी आपका डिजाइन हो, जस्ट आपको वन क्लिक में टोटल फाइल को देखिए, टोटल फाइल में आपको जस्ट विद इन 2 या 5 सेकंड में आपका टोटल जो फाइल है, टोटल जो डिजाइन है वो आपको ब्लैंकेट में कन्वर्ट करके दे देगा आपको इस तरीके का, जितना आपको फाइल होगा उतना आपका ब्लैंकेट रेडी हो जाएगा। जैसे आपको ब्लैंकेट रेडी हो जाएगा तो उस ब्लैंकेट को जस्ट आपको फोटोशॉप में ओपन करना रहेगा यहाँ से,
एंड इजिली आप उसको एक दो ब्लैंकेट को मर्ज करके आप एक साथ मल्टीपल ब्लैंकेट को रेडी कर सकते हैं। बट उसमें हमारे पास इस तरीके से डिजाइन को वो मर्ज हो जाता है, वो फाइल हमारे लिए इन फ्यूचर हम उसको यूज नहीं कर सकते। बट आपके लिए ब्लैंकेट बनाने के लिए बहुत ही फास्टेस्ट वे, ब्लैंकेट बनाने के लिए आप अगर डेटा सेट को अप्लाई करें तो आप इस तरीके से इजिली बना सकते हैं। तो इस तरीके का जो भी ब्लैंकेट का बनाने का मैं टेक्निक बताया, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल ऑफ टेक्निक है, जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और भी डिटेल में सिखाएंगे, जिसमें आपको और भी डिटेल नॉलेज मिलेगा कैसे आपको फास्ट एंड स्मार्टेस्ट वे में ब्लैंकेट आप बना सकते हैं। ओके, सो आई होप इस टोटल इस वीडियो में टोटल इस ट्यूटोरियल में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा कि आपको क्या नया सीखने को मिला होगा। एंड आपको और भी कुछ नया अगर टॉपिक चाहिए डिजाइनिंग फील्ड में, आपको और भी कुछ नया नया टॉपिक जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि आपको कमेंट के अकॉर्डिंग हम नया कुछ टॉपिक आपके लिए आपको हेल्प कर पाए एंड आपको डिजाइनिंग फील्ड में और भी एम्पावर कर पाए। तो ऐसे ही बहुत सारा एडवांस लेवल ऑफ टेक्निक हम अपना जो प्रीमियम स्टूडेंट है जिनके लिए हमने एक पूरा कोर्स करिकुलम बनाया हुआ है, तो उनका जो कोर्स में हम बहुत कुछ ऐसे एडवांस लेवल ऑफ टेक्निक देते हैं, बिगिनिंग से लेकर एकदम एडवांस लेवल ऑफ टेक्निक उनको सिखाते हैं। एंड सिर्फ ये एक्चुअल में देखिए गाइस यूट्यूब का जो वीडियो है वो सिर्फ रैंडमली कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, बट आपका कोई प्रॉब्लम या तो आपको डिजाइनिंग का जो मेन फंडामेंटल जो मेन प्रोसेस उसको अगर आपको सीखना है समझना है तो आपको कोई भी एक मेंटरशिप के अंदर आना पड़ेगा। चाहे कोई इंस्टीट्यूट में जाए, चाहे कोई एक डिजाइनर के पास आप ट्रेनिंग ले, तो आपको एक मेंटरशिप के अंदर आना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई हमने एक ऑनलाइन कोर्स ऑर्गेनाइज किया जिसमें आपको टोटली फोटोशॉप का अलग एक कोर्स हमने रखा हुआ था, फोटोशॉप इंजीनियरिंग का आपको अच्छे से सीखने को मिले। एंड डिजिटल प्रिंट डायरिंग मास्टर में जो कि मोटिव क्रिएशन वो हमने आपको सिखाया है, एकदम टोटल 21 डे का कोर्स है। उसके साथ साथ हमने आपको कंसेप्चुअल डिजाइनिंग में टोटल आपको डिजाइनिंग का जो मेन फंडामेंटल है वो आपको मैंने सिखाया है। उसके साथ साथ आपको मैंने टोटल डिजाइनिंग को बनाने का जो प्रोसेस है बेसिक से एडवांस लोग टोटल टेक्निक आपको मैंने सिखाया हुआ है। अगर आपको कभी भी जरूरत फील हो कि आपको डिजाइनिंग फील्ड में और भी आगे बढ़ना है, डिजाइनिंग फील्ड में आप ऑलरेडी है 5-6 महीने से तो आपको और आगे बढ़ना है, तो आप हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें आप आ सकते हैं एंड आपका जो लेवल है वो आप अपग्रेड कर सकते हैं। आपको पता ही होगा शायद आप अगर अपना लेवल को अपग्रेड करें, अपने आप को अगर लर्निंग फील्ड में लेके आपको अगर अपने आप को एम्पावर करें तो आपका वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना, आपका सैलरी उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। तो इसलिए अपने आप को अगर आपको एम्पावर करना तो आप ऑलवेज एक पॉजिटिव माइंड सेट लेके आप ऑलवेज अपने आप को अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट जरूर करें, बिकॉज अपने ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कभी भी वो जाया नहीं जाता। हम ऐसे तो बहुत सारा महंगे महंगे चीजें खरीद के अपना बहुत सारा शौक वो पूरा करते हैं बट अपने ऊपर इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। सो दैट्स व्हाई हमने आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बिगिनर है डिजाइनिंग फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए हमने स्पेशली ऑनलाइन कोर्स को लॉन्च किया है जिसमें हमने टोटल डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग का बेसिक्स लेके एडवांस लेवल ऑफ टेक्निक दिया, उसको आपको सीखना अगर वो नीचे लिंक दिया हुआ है आपका जो कोर्स का लिंक है उसमें आप जाके देख सकते हैं क्या उसका फीचर्स है, कैसे हमने डिजाइनिंग फील्ड में सिखाया है। एंड बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो हमारा कोर्स में अभी एनरोल है, वो बहुत ही सक्सेसफुली सीख रहे हैं डिजाइनिंग पैटर्न को समझ रहे हैं। एंड हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें पूरा प्राइवेट ग्रुप है, उसका मैं स्क्रीनशॉट कुछ शेयर करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, बिकॉज जो क्वालिटी डिजाइनर है उनको बहुत ही हेल्प मिल रहा है, वो भी बहुत ही सेटिस्फाइड है हमारा क्लास से हमारा कोर्स करिकुलम से। हमने उनको 2 वीकली लाइव सेशन देते हैं जिसमें टोटल डिजाइनिंग प्रोसेस को बताते हैं एंड उनको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, सो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइस। एंड इस टोटल वीडियो करिकुलम में अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ज्वाइन करना अपना कोर्स करिकुलम तो मुझे नीचे जो लिंक है उसका क्लिक कर सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपका जो भी डाउट रहेगा वहां पे भी आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।